एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के तत्वावधान में और हॉर्टिकल्चर इंटरनेशनल सोसाइटी की ओर से राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा के ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे बीच में सम्मानीय वाइस चांसलर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, आदरणीय प्रोफेसर बलराज सिंह जी। सर, ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस 1 फरवरी से 3 फरवरी तक हो रही है, क्या थीम है, किस तरीके से आयोजित हो रही है और किन चीज़ों को लेकर किसानों की खुशहाली समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी? बिल्कुल, देखिए, जो 3 दिवसीय जो हॉर्टिकल्चर समिट कम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जिसका आयोजन हम सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साथ में जो पूसा संस्थान नई दिल्ली है जिसको IRI कहते हैं, उसका सब्जी विज्ञान विभाग और SKNAU जोबनेर का रारी दुर्गापुरा, हम तीनों मिलकर संयुक्त रूप से इसका आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं जी। और इस 3 दिन में हम हॉर्टिकल्चर जितनी भी फसलें हैं बागवानी की जी, उनमें क्या क्या अनुसंधान देश में हुआ है, कितनी प्रगति हुई है, क्या क्या चुनौतियाँ सामने आ रही हैं इनके उत्पादन में, इनके एक्सपोर्ट में जी, और इनके मार्केटिंग में, इन सब चीज़ों पर गहन चर्चा करेंगे। और ख़ास करके जो किसान जो कई प्रॉब्लम्स फेस करता है जी, उन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि बहुत सारी फसलों में, अगर मैं कहूँ जैसे राजस्थान की अगर बात करें जी, तो बागवानी के अंदर जीरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है जी। और ये नहीं कि भाई जीरे का हम डोमेस्टिक कंजम्पशन है, निर्यात बहुत मायने रखता, बड़ा निर्यात है हमारा जी, 4000 करोड़ से ऊपर का एनुअल एक्सपोर्ट है। और जबकि हम 10-12% एक्सपोर्ट करते हैं, 88-90% हमारा घरेलू खपत है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है। लेकिन और पोटेंशियल बहुत है इसका, पूरी दुनिया में जीरे का उत्पादन भारत कर रहा है वर्तमान में। पहले सीरिया थोड़ा बहुत उत्पादन करता था और वो एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब सीरिया लड़ाई के बाद इस चीज़ से बिल्कुल बाहर हो गया खेती से। तो ऐसी स्थिति में सारी जिम्मेदारी ये जो बीजीय मसाला फसलें हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जीरा है, वो हिंदुस्तान के ऊपर है। और जीरे में कैसी वैरायटी चाहिए, वैरायटीज़ का ड्यूरेशन कितना चाहिए, क्या 130 दिन वाली वैरायटी काम करेगी, क्या बीमारियां हैं जिनको किसान फेस करता है, जैसे कि अल्टरनेरिया ब्लाइट झुलसा सबसे बड़ी दिक्कत है जी। उसकी सफलता में जब भी कोई अनसीजनल रेन्स होती हैं, बादल छा जाते हैं, कोहरा पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ जीरा नहीं हो सकता। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जीरे का जो उत्पादन है वो पश्चिमी राजस्थान तक लिमिटेड हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया जी। जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, थोड़ा बहुत पाली, फलौदी और इसके अलावा नागौर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट इसके उत्पादक ज़िले हैं जो इसको पैदा करते हैं। और जीरे में अकेला ये नहीं कि भाई ब्लाइट की प्रॉब्लम है जी। अब ब्लाइट की किसान रोकथाम करता है तो मैंको जब छिड़कता है, और मैंको जब वेटेबल पाउडर है पानी टूट जाता है जी। और आखिरी स्टेज तक किसान छिड़कता है, क्योंकि किसान को अपनी फसल बचानी होती है जी। तो ऐसी स्थिति में पानी उड़ गया और वो पाउडर जो है ना बीज के ऊपर चिपक गया, क्योंकि जीरा तो पकने की स्टेज पर है, तो वो सबसे बड़ी समस्या निर्यात में बनता है। सबसे पहले जाते ही वो डिटेक्ट होता है पोर्ट्स के ऊपर, जब हमारे समुद्री जहाज भर के जाते हैं तो सबसे पहले वो दिख जाता है कि भाई कोई पाउडर छिड़का हुआ, डाला हुआ है जी। तो इन समस्याओं का कैसे निदान करें, इसके कौन से नए केमिकल्स हैं जी। फिर और भी बीमारियां हैं, जैसे अब अनार का एरिया बढ़ रहा है, अनार में अच्छा प्लांटिंग मटेरियल पौधे, अब अनार में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है बैक्टीरियल ब्लाइट की जी, जो जीवाणु झुलसा जी, सबसे बड़ी समस्या है। और उसका एक ही कारण है, भाई जब आप गुट्टी वाले पौधे इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल से तैयार करोगे, जो आपका मदर ब्लॉक है वो अगर इन्फेक्टेड होगा, ग्रस्त होगा, तो आप सोच नहीं सकते कि आप जो स्वस्थ पौधे बना सकते हैं। तो ज़रूरत किस चीज़ की है, या तो नर्सरी जिनसे भी हम वो पौधे ले रहे हैं वो नर्सरी फुल्ली एक्रेडिटेड होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए, जो हमारी एजेंसी है वो उसको सर्टिफिकेशन करती है। एक तो गुट्टी वाले पौधे बिल्कुल आपके डिजीज फ्री, वायरस फ्री, हेल्दी होने चाहिए। और दूसरा बात आती टिशू कल्चर की, टेक्नोलॉजी आ गई आज कॉमर्शियल स्केल पे, टिशू कल्चर अकेले अनार में ही नहीं हम अडॉप्ट कर रहे, केले में, जरबेरा, कार्नेशन, इसके अलावा डेट पाम, बहुत सारी फसलों में कॉमर्शियल एप्लीकेशन आज
टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की है, नई नई टेक्निक आ रही हैं जी। पहले जैसे आलू के अंदर आपका बुआई करते थे जी, तो सीड पोटैटो जो आलू के ट्यूबल डालते थे वो 20-25 क्विंटल पर हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर में वापस आलू बोना पड़ता था। लेकिन आजकल फिर एक टेक्निक हमने 1970 के दशक में विकसित की, सीड प्लॉट टेक्निक। अब भाई कैसे वायरस फ्री ट्यूबर्स का प्रोडक्शन करें आलू की बुआई के लिए, तो उसमें जालंधर का इलाका सेलेक्ट किया, एफिड फ्री पीरियड सेलेक्ट किया। लेकिन आज पूरी टेक्नोलॉजी बदल गई, आज वायरस अकेला एफिड कैरी नहीं करता, आजकल वायरस को आलू के अंदर वाइट फ्लाई भी कैरी करती है, नया वायरस आ गया एपिकल लीफ कर्ल वायरस। तो इन सब चीज़ों पर जर हो रही है, तो इसमें विशेष रूप से देश भर के वैज्ञानिक जुट रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इन चीज़ों पर चिंतन मंथन और उसका सोल्यूशन? देखिए अभी जैसे बड़े लोगों में मैं कहूँ जो मैनेजमेंट पोजिशंस पे हैं, डॉक्टर जानकी राम बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे देश के, ICR में भी रहे, IRI पूसा संस्थान में फ्लोरिकल्चर डिवीजन के हेड थे, फिर ADG रहे ICR हेडक्वार्टर पे, एंड नाउ इज सेकंड टाइम वाइस चांसलर डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में है। दोनों हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो ADG हैं, ADG 1 और ADG 2 डॉक्टर सुधाकर पांडे और डॉक्टर VB पटेल दोनों उपस्थित हैं यहाँ पे। मेडिसिनल प्लांट भी हॉर्टिकल्चर का बहुत मजबूत पार्ट है जी। तो जो मेडिसिनल प्लांट है, जो हमारा बोर्ड है दिल्ली में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, उसके CEO महेश दादीच जी, डॉक्टर महेश दादीच वो भी उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि करीब करीब भारतीय जो अनुसंधान कृषि अनुसंधान परिषद है उसके जो बागवानी के संस्थान हैं उनके निदेशक खुद व्यक्तिगत रूप से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे NRC सीड स्पाइसिस के डायरेक्टर हैं, CIEH बीकानेर के निदेशक डॉक्टर जगदीश राणे जी हैं, ऑनियन एंड गार्लिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर महाजन हैं। इसी तरीके से जो हमारा जैसे CIEH बीकानेर है एरिड हॉर्टिकल्चर, ऐसे टेम्परेट हॉर्टिकल्चर का श्रीनगर में इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, उसके डायरेक्टर डॉक्टर MK वर्मा। तो इस तरीके से 10 डायरेक्टर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं लगभग। इसके अतिरिक्त एक्स डायरेक्टर जैसे डॉक्टर अब्राहम वर्गीज, वो कि एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पे हम बात करते हैं, उसके डायरेक्टर रहे हैं, बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक रहे हैं। और इस तरीके से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ICR के इंस्टीट्यूट से, IRI से, पूसा से, अलग अलग डिविजन्स के जैसे सीड साइंस टेक्नोलॉजी के हेड हैं, NBPGR में जर्म प्लाज्म जो एक्सप्लोरेशन है कंजर्वेशन उनके हेड्स हैं, इसके अतिरिक्त जो है ना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के हेड हैं, वेजिटेबल के तो डॉक्टर तोमर साहब हेड हैं सेकंड टाइम, वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो तो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं सोसाइटी के, तो ऑर्गेनाइजर्स में शामिल हैं। तो इस तरीके से पूरे ICR के जितने इंस्टीट्यूट हैं जो बागवानी में काम करते हैं, उनके निदेशकगण, उनके वैज्ञानिक, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, और इस तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिक, दूसरे वैज्ञानिक जो कृषि विश्वविद्यालयों से, जैसे डॉक्टर अलका हैं, डॉक्टर अलका सिंह वो डीन है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की नवसारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसके अंदर, डॉक्टर चावला हैं। इसी तरीके से डॉक्टर धुरेंद्र सिंह आए हैं बीकानेर से जो एरिड हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं। तो ऐसे करके बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक इस जो कार्यक्रम है, 3 दिन का जो सम्मेलन है जिसको हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, और कई टेक्निकल सेशन इसमें 3 दिन में होंगे जी। और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में हमने लीड स्पीकर्स बुलाया जिनको बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है, उन लोगों को लीड और इन्वाइटेड स्पीकर के रूप में बुलाया है। फिर उसके अलावा ओवरऑल स्पीकर्स भी हमने बुलाए हैं, अब जो नए वैज्ञानिक हैं और बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं अलग अलग विषयों में, अलग अलग उन पर, उनको भी हम ओवरऑल स्पीकर के रूप में बुलाया है। इसमें जनरली फार्मर्स का भी इन्वॉल्वेशन कर रहे हैं या बिल्कुल फार्मर्स का भी? हमने और प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट के बीच देखिए बड़े पैमाने पे तो वैज्ञानिकों का सम्मेलन है, शोध छात्र इसमें है, लेकिन जैसे हमने फार्मर्स को बुलाया अभी खेमाराम जी थे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, तो ऐसे हमने जो बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं चिन्हित, बहुत गिने चुने 2-4-5 किसानों को हमने इसमें बुलाया, ज़्यादा नहीं बुलाए क्योंकि ये साइंटिफिक मीटिंग है, लेकिन फिर भी हमने बताने के लिए कि किस तरीके का आजकल डेवलपमेंट हो रहा है, फार्मर भी कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ फार्मर्स को भी इसमें बुलाया है। और कुल मिला के हमारा इस कॉन्फ्रेंस का मतलब एक ही है, अब भाई वर्तमान में हमारी जो स्थिति है क्या है, पास्ट में क्या स्थिति, आगे 2050 में आवश्यकता क्या होगी। अभी वर्तमान में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 207 मिलियन मीट्रिक टन सब्जियां भारत पैदा कर रहा है, आज़ादी के टाइम पर तो 15 मिलियन मीट्रिक टन से नीचे थी, लोगों को दिखने को नहीं सब्जी मिलती थी, खाने की बात आप छोड़ दीजिए,
गिनी चुनी सब्जियां होती थी जी। आज नंबर ऑफ वेजिटेबल्स अगर आप जाएंगे दिल्ली जयपुर अच्छी जो निस मार्केट है जैसे दिल्ली में आई है खान मार्केट आपको 100 से ज़्यादा सब्जी मिलेंगी। ऐसे फ्रूट्स की स्थिति बहुत ख़राब थी, 10 मिलियन मीट्रिक टन से नीचे फ्रूट्स का प्रोडक्शन था, अभी 112 आ गया। कहावत होती थी एक अनार 100 बीमार, वो इसलिए होती थी एक अनार की न्यूट्रिटी वैल्यू एंटी ऑक्सीडेंट्स का लेवल इतना ज़्यादा है। एक अनार तो एक है, हमारे पास था नहीं कोई फ्रूट प्रोडक्शन, और खाने वाले बीमार 100 पड़े किस किस को कितने दाने निकाल के दें, तो इसलिए था। लेकिन आज उल्टा हो गया, आज राजस्थान प्रदेश में 16,000 हेक्टेयर अनार के अंतर्गत है, प्रोडक्शन इतना भारी है, लेकिन किसान को उसका भाव नहीं मिलता। तो ये भी चिंता का विषय है, अगर भाव नहीं मिलता तो क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लांट वे में मार्केटिंग करनी चाहिए जी। या फिर प्रोसेसिंग करनी चाहिए पोस्ट हार्वेस्ट, उसमें वैल्यू ऐड करें, उसका जूस बनाएं या दाने को सुखा के उसका पाउडर बनाएं, क्या क्या बन सकता है उससे, इस तरीके से सब चीज़ों पर इस पर चिंतन और मंथन होगा। ये सब होने के साथ साथ राजस्थान के संदर्भ में जो खेती या बागवानी की जो फसलें हैं उनके प्रमोशंस के लिए राज्य सरकार का भी कोई इन्वॉल्वेशन इसमें रखा, यूनिवर्सिटी के अलावा भी विभाग की तरफ से मंत्रालय की तरफ से? देखिए आज माननीय कृषि मंत्री जी सवेरे आए थे और इसका उद्घाटन सत्र पर मौजूद थे, उन्होंने चिंता व्यक्त की है इसी बात की, और उन्होंने कहा कि भाई राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या रोड मैप हो सकता है जी बागवानी को लेकर के। वैसे राजस्थान ओवरऑल कृषि के क्षेत्र में बागवानी के क्षेत्र में बड़ी अच्छी प्रगति कर रहा है, लेकिन चुनौतियां बहुत है। जैसे मैं कह रहा चुनौती क्या है, अब ये जैसे खेमाराम जी बैठे हैं, अब ये बस्सी जाजड़ा गांव एक बहुत ही सफल मॉडल बन गया प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, हाईटेक हॉर्टिकल्चर का, लेकिन सेम टाइम दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सॉयल बॉर्न फंगस है, नेमेटोड्स है, सीवियर इन्फेस्टेशन है, दो क्रॉप लेने के बाद इतना बिल्टअप हो जाता है किसान खेती नहीं कर सकता, तो ये स्थिति है, तो उसका क्या निदान करें हम, नेमेटोड्स का मैनेजमेंट क्या हो, केमिकल मैनेजमेंट हो या कोई दूसरा मैनेजमेंट है, नॉन केमिकल मैनेजमेंट भी है, या ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी काम करेगी तो क्या चीज़ काम करेगी। और जैसे जीरे की मैंने बात की, आपकी धनिया की बात है, कई बार बड़ी बीमारी आती है, स्टेम गॉल है, बड़ी दिक्कत करती है, पूरी फसल खराब हो जाती है। और अभी जैसे धनिया के सबसे बड़े उत्पादक हम हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उसके बाद भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो हमारे पास जो वैरायटीज हैं ज़्यादातर वो गर्मी में जब उनको हरे धनिया के लिए उगाते हैं, हरी पत्ती के लिए, तो वो बोल्ट कर जाती, फूल आ जाता है, पत्तियाँ नहीं बनती जी। तो अर्ली बोल्टर्स हैं जितनी भी वैरायटी हिंदुस्तान में पूरे देश में जहाँ जहाँ से भी डेवलप हुई हैं। लेकिन अब मैंने काम शुरू कराया अजमेर में इसको लेके, और पहली वैरायटी हमने अजमेर से दी, अजमेर ग्रीन वन। और गर्मी में भी आप अप्रैल मई जून जुलाई में लगाएंगे तो पत्ती पहली कटाई पत्तियों की वो होती है 42 दिन पर, और मोस्टली वैरायटीज में 28-30 दिन पर बोल्टिंग हो जाती है। तो उस इम्पोर्ट को कैसे कम करें, कैसे हटाएं, तो वैरायटी डेवलप की अजमेर ग्रीन वन जिसमें 52-54 दिन में बोल्टिंग है, तो इसका मतलब अब वो वैरायटी अच्छी आ गई जिसमें हम गर्मी में भी बोके डिलेड बोल्टिंग है, कटाई कर सकते हैं, दूसरी कटाई बाद में भी ले सकते हैं, वरना अभी ये सारा मटेरियल बाहर से आ रहा था। इसी तरीके से जैसे जीरे में मैंने बात की, अब जीरा एक्सपोर्ट हो रहा है और बाहर बहुत सारी दिक्कत आती है, पेस्टिसाइड रेजिड्यू की है, एलर्जेंट्स की है, दूसरी चीज़ें हैं। अब गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उनकी बात कर रहे हैं हम। अब बाहर निर्यात में सबसे बड़ा ये देखते हैं, अब भैया आपने कौन सी उत्कृष्ट क्रियाओं को अपनाया जी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है खेती के अंदर, और ख़ास करके ऐसी चीज़ें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है जिनमें हम व्यापार कर रहे हैं, तो उनमें चिंता की बात होती है। तो ये पूरे देश के वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पर है, बागवानी पूरे देश में अच्छे तरीके से उन्नत हो, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अलग अलग चीज़ों का आपने, राजस्थान के संदर्भ में हम अलग से चर्चा करेंगे, एक सेशन रखेंगे बिल्कुल अलग से जी। जिसमें राजस्थान में बागवानी की क्या प्रगति है, क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट है, और कहाँ फ्यूचर में हम जाएंगे, और साथ साथ क्या चुनौतियाँ हैं, चुनौती पानी की है या चुनौती प्लांटिंग मटेरियल की है जी। या चुनौती आज भी बीमारियों की है, कीड़ों की है, मकौड़ों की है, या वैल्यू एडिशन की। अब जैसे जीरा पैदा था राजस्थान में, उतर सारा जाता ऊंझा मंडी बिकने, बिल्कुल अब सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स, ग्रेडिंग यूनिट्स, एक्सपोर्ट यूनिट वो सारी ऊंझा में महसाड़ा में लगी हुई है, तो क्या राजस्थान में उनका विकास नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हर पहलू पर चर्चा करेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी, अगर राजस्थान में हॉर्टिकल्चर का प्रेजेंट स्टेटस क्या है और क्या आवश्यकता है, हम किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं जी। अब जैसे हमारा AICRP ऑन सीड स्पाइसेस जॉबनेर में स्थित है, जीरे में भी हमने वैरायटी दी है, पर अब वो पुरानी हो गई, तो नई कैसी वैरायटी चाहिए, क्या 130 दिन से हम वैरायटीज को नीचे खींच के कम नहीं कर सकते, 100 दिन पर नहीं ला सकते।
ऐसी वैरायटी चाहिए ताकि वो बीमारी से बच जाएगी, वैरायटी एस्केप कर जाएगी। तो इस तरीके का हमारा विचार है, तीन दिन में लगभग लगभग सारे बिंदुओं पर, सारे विषयों पर बागवानी के चर्चा करेंगे। अब भाई वर्तमान क्या है, पास्ट क्या था, भविष्य कैसा है हमारा। अक अभी तो हम खुश हो रहे हैं, अब भाई 351 मिलियन मीट्रिक टन बागवानी का उत्पादन है और लगातार खाद्यान्नों के उत्पादन को पीछे छोड़ते हुए वो 330 है जी। आगे बना हुआ है हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन, लेकिन 2050 में कितना चाहिएगा, 2050 में जो आवश्यकता होगी वो 750 से 800 मिलियन मीट्रिक टन के बीच में होगी। अभी 351 है, तो दुगुने से ज़्यादा प्रगति हमें करनी पड़ेगी आने वाले अगले कितने साल में, मात्र 27 साल में। 27 साल में जो प्रगति करनी है हमें, दुगुने से ज़्यादा करनी है। जो हो गया हो गया, वो कैसे करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी होंगी, क्या वैरायटी होंगी, क्या प्रोसेसिंग होगी, क्या ग्रेडिंग होगी, क्या गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी, कैसे किसान होंगे, क्या मैकेनाइजेशन होगा, ये सब चीज़ें उस पर चर्चा करेंगे सारी की सारी। तो ये तीन दिन में देश में बागवानी का विकास कैसे और राजस्थान के संदर्भ में बागवानी का वर्तमान स्तर, आगामी समय की चुनौतियाँ और जिस तरीके की ज़रूरत है उसके अनुसार उसका उच्च स्तर बनाए रखने की बहुत सारी बातों को लेकर, तो ये थे हमारे बीच प्रोफेसर बलराज सिंह जी, जिनको सब चीज़ों का नट सेल में हर चीज़ का बिंदुवार, आंकड़ेवार और कहां पर किस चीज़ का उत्पादन होता है, किस चीज़ के सामने क्या समस्या है, सबका निस्तारण और मंत्री जी के सामने भी सारी बात को रखा। कल मंत्री जी का दुर्गापुर कृषि अनुसंधान फार्म भी विजिट करने का है, तो उसके साथ हम फिर उसको पूरे कार्यक्रम को लाइव दिखाएंगे। धन्यवाद।